हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन आलू की सब्जी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने तीन ठो बैंगन ले लिए हैं, 4 पीस आलू। बैंगन की दोनों साइड से इस तरह से कट कर लेंगे और लंबे लंबे साइज में इस तरह से पीसेज में कट कर लेंगे। इसके बाद हमें आलू को भी इसी तरह काट लेना है, लंबे लंबे पीसेज में। आप चाहे तो अपने हिसाब से कट कर ले। सभी बैंगन आलू को बढ़िया से कट करके बढ़िया से पानी से धोकर 2-3 बार पानी डालकर साफ कर लेंगे। बढ़िया से पानी से हटाकर एक बाउल में डाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम चलिए मसाला रेडी कर लेते हैं। एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें 2 चम्मच सरसों डालेंगे, काली वाली सरसों। ध्यान दे, सब्जी के हिसाब से ही मसाला रेडी करें। और एक लहसुन का गांठ ले लेंगे, अलग कर लेंगे इस तरह से। और 2 टुकड़ा प्याज का ले लेंगे इस तरह से, सरसों के साथ डाल लेंगे। और थोड़ा सा पानी ले लेंगे, इसमें डालकर बढ़िया से पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। एकदम बारीक पेस्ट बनाएंगे। एक छोटे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे 1/2 चम्मच। और थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया से मसाले को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्स करके एक साइड मसाले को हम रख लेंगे। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाही ले लिए हैं, कढ़ाही को हम गरम कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, सरसों तेल यूज कर रहे हैं, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तेल गरम हो जाए तो 1 चम्मच सरसों और मेथी को दोनों को एक साथ डालकर 1 चम्मच ही लेंगे। तेल में डालकर बढ़िया से 1 मिनट तक पकाएंगे, ढककर पकाएंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर ले। इसके बाद हम खोलकर चेक कर लेंगे, काफ़ी छींटे पड़ रहे हैं, ध्यान दें। इसके बाद हम मसाले डालेंगे इस तरह से ढकते हुए, सावधानी से। छींटे पड़ते हैं देह पर, जलने का डर रहता है, ध्यान से। इसके बाद हम ढक्कन खोलकर मसाले जो भी बचे थे सभी को डाल लेंगे मसाले के साथ। मसाले को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद उसी बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर मसाले में पानी डाल लेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे मसाले को लो फ्लेम पर। 2 मिनट तक पक चुके हैं, इसे अब हम खोलकर देख लेते हैं। इसे हम इस तरह से लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाले हैं, अगर आपको पसंद ना हो तो ना डालें। मसाले को हमने 2 से 3 मिनट तक पका लिए हैं। देखिए मसाले से तेल अलग हो गए हैं। अब इसमें हम सब्जी डालेंगे और मसाले सब्जी को एक साथ डालकर मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्स करते हुए भूनेंगे सब्जी को बढ़िया से मसाले के साथ। इसके बाद हम 1 टमाटर ले लेंगे बड़े साइज के, इस तरह से लंबे लंबे पीसेज में कट करके डालेंगे, मोटे मोटे पीसेज में। सभी को एक साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे बढ़िया से सब्जी को, ताकि मसाले और सब्जी एक साथ बढ़िया से पक सके। मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे बढ़िया से, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे ताकि सब्जी सटे नहीं। इस तरह से मिक्स करते हुए चलाते हुए भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे, ताकि सब्जी आलू थोड़ा सा पक जाए।
अगर फैमिली में जो लोग बैंगन की सब्जी नहीं खाते होंगे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। सच मानिए, बहुत पसंद आएगी सब्जी, एकदम फेवरेट हो जाएगी। इतना स्वादिष्ट सब्जी बन के रेडी होती है। एक बार ये सब्जी खा लेंगे तो बार बार बोलेंगे इसी तरह बनाने के लिए। इतना टेस्टी ये सब्जी बन के होती है रेडी। सब्जी भून गए हैं, इसमें हम 1 कप पानी डाल लेंगे। बढ़िया से इस तरह से सब्जी को मिक्स कर लेना है पानी के साथ। इस सब्जी में पानी का ज़्यादा यूज ना करें। अब देख पा रहे हैं 1 कप में थोड़ा सा पानी बच भी गया। इसे अब हम ढककर लो फ्लेम पर पका लेंगे सब्जी को, बढ़िया से पकने तक पकने देंगे। इसे अब हम खोलकर चेक कर लेंगे सब्जी गले या नहीं। अब देख पा रहे हैं सब्जी काफ़ी हद तक पक चुका है। अगर आपको लगे कि सब्जी थोड़ा और पकेगा तो थोड़ा देर और पका ले ढककर लो फ्लेम पर। इसके बाद हम धनिया पत्ता डाल देंगे और ढककर 5 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे, गैस बंद कर देंगे। इसके बाद देखिए सब्जी बन के हो गया रेडी। इस सब्जी को आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो रोटी, पराठा, जीरा राइस किसी के साथ खा सकते हैं। सबके साथ ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।